कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर अब सियासत और गर्माती जा रही है। मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार ने चर्चा के लिए समय नहीं देने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की। ये नाराजगी जाहिर करते हुए सीधा सरकार का आरोप था कि राज्य कैबिनेट की बैठक में सूखा राहत के लिए केंद्र ने कथित तौर पर एक भी पैसा नहीं दिया। बता दें, सीएम सिद्धरमैया और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी ने सूखे की स्थिति को देखते हुए कैबिनेट की बैठक की थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले में समय नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में मांग की गई कि केंद्र महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मानव दिवस बढ़ाए ताकि सूखा प्रभावित लोगों को आजीविका का कोई स्रोत मिल सके। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने भी, जिसमें एन चालुवराय स्वामी, विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे को मिलने का समय नहीं मिला, जबकि वो मुलाकात के लिए 4-5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। बता दें, एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब डिक्टेटर होना होता है। सिद्धरमैया का ये बयान आते ही सियासत तेज हो गई। हालांकि सिद्धरमैया का ये बयान पूर्व सीएम येदियुरप्पा के उस बयान पर पलटवार था, जिसमें पूर्व सीएम ने सीएम सिद्धरमैया पर केंद्र सरकार के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था, अगर उनमें दुनिया भर से सम्मानित प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अहंकार भरा है तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। पूर्व सीएम के इसी बयान पर पलटवार करते हुए सिद्धरमैया ने कहा, क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब डिक्टेटर होना होता है? एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के बारे में बात करने का क्या मतलब होता है? ऐसे में अब कर्नाटक सरकार के इस आरोप पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।